आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स की जो हिंदुस्तान टाइम के पेपर में पब्लिश हुआ है, जो 29 सितंबर 2022 को पब्लिश हुआ है। TY BCom का जो सेमेस्टर 5 का एग्जामिनेशन है उसका पोस्टपोन्ड के बारे में जो है आर्टिकल है, जिसमें सभी स्टूडेंट को डाउट है कि जो TY BCom का एग्जामिनेशन है सेम 5 का, क्या वो पोस्टपोन्ड होगा जो 10 अक्टूबर से जो चालू होने वाला है। 10 अक्टूबर को आपका फर्स्ट पेपर रहेगा, तो क्या एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये आर्टिकल्स का जो न्यूज़ है, ये काफ़ी सारे लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पे DM किया है, काफ़ी सारे लोग ने मुझे व्हाट्सएप पे लिंक भी शेयर किया है कि क्या सर सच में कुछ पॉसिबिलिटीज़ है एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन्ड होने की, सर आप ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मैं आपको न्यूज़ को समराइज करके भी बताऊंगा, डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये सेंटेंस देख लीजिए, नो फॉर्मल वर्ड हैज़ बीन रिलीज येट बाय द यूनिवर्सिटी अबाउट द सेम, ठीक है। अब ये क्या है भाई, पोस्टपोन्ड के रिगार्डिंग क्या है, उसके बारे में यूनिवर्सिटी ने कुछ भी नहीं बोला है। देखो, आपका एग्जामिनेशन 10 अक्टूबर से है, ठीक है। अभी एग्जामिनेशन जो है ऑलरेडी समझिए कि स्टार्ट 8 ही दिन बचे हैं, ठीक है, 8 डेज बचे हैं। अब 8 डेज में एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड करने का पॉसिबिलिटीज़ है क्या? देखो, मेरे हिसाब से तो नहीं है, इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल है वो डेट जो आया है उसमें स्पेशलाइजेशन कोर्स और रेगुलर्स जो BCom के जो ट्रेडिशनल कोर्स है उन दोनों के लिए है। तो अगर ये चेंज करेंगे BCom के लिए तो बाकी स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत टाइम है, अभी इतना कम दिन है, तो ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, टाइम टेबल भी इशू कर दिया है जो मेरा प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था। तो पोस्टपोन्ड होगा क्या? नहीं, मेरे हिसाब से पोस्टपोन्ड नहीं होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो है पढ़ाई पे, जो पढ़ाई कर रहे थे जिस रूट में, ठीक है, जो मैंने कुछ वीडियोज़ डाले हैं, गाइडेंस वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ लेक्चर्स डाले हैं, उसको देख के आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड होगा वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम क्या देखेंगे कि हमारा टारगेट है कि 8 तारीख मतलब 10 अक्टूबर से पेपर है, उसके हिसाब से हम पहले से तैयारी करेंगे, ठीक है। पोस्टपोन्ड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भाई अगर आप इसके भरोसे बैठोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप TY में हो, समझो TY में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप फेल ना हो, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप ऐसे न्यूज़ को अवॉइड करो, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। कुछ भी न्यूज़ रहेगा तो आपको आपके कॉलेज के ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये न्यूज़ क्या है वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पोस्टपोन नहीं होने का पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। अब देखिए, ये जो है डेज आफ्टर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट मुंबई यूनिवर्सिटी अनाउंस द डेट ऑफ विंटर 2020 एग्जामिनेशन सेशन फाइनल ईयर्स, दैट मीन्स TY BCom फाइनल ईयर्स होता है, सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स वेरियस एफिलेटेड कॉलेज हैव रिटन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट। उन्होंने देखो कॉलेज बहुत सारे कॉलेज के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स लोग ने जो है रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, डिपार्टमेंट को क्या रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है कि फाइनल रिक्वेस्ट किया है कि भाई एग्जामिनेशन जो है पोस्टपोन करो, रिक्वेस्ट होता है भाई, हम भी जैसे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर फीस कंसेशन के लिए कॉलेज में रिक्वेस्ट करते हैं, हॉलीडे के लिए, छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कुछ और रहता है प्रॉब्लम तो उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं, उस तरीके से एग्जामिनेशन के पोस्टपोन करने का रिक्वेस्ट किया है। किन लोगों ने किया है? बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग ने किया है जो एफिलेटेड कॉलेज, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एज पर द एग्जामिनेशन स्केड्यूल्स और शेड्यूल रिलीज बाय द बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड इवोल्यूशंस, दैट इज BOE, सेवरल थर्ड ईयर्स BCom, BSc एंड BA एग्जामिनेशन आर शेड्यूल्ड टू बिगिन इन अ टू वीक्स ऑन October 14, 10 से 15 अक्टूबर के बारे में सारे जो ट्रेडिशनल कोर्स हैं उनके एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग फॉर ऑल एग्जामिनेशंस बिगिन आफ्टर दिवाली हॉलीडे, ठीक है, दिवाली के बाद चालू करने का ऐसा रिक्वेस्ट किया है, ठीक है। द नोटिस अनाउंसिंग एग्जामिनेशन डेट वॉज सेवरल रिलीज लेस देन मंथ बिफोर, ये बात सही है कि जब कोई भी नोटिस डेट आती है तो 40 से 45 इवन 45 डेज पहले क्या होने चाहिए, इशू करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने बहुत कम टाइम में डेट अनाउंसमेंट कर दिया और फिर टाइम टेबल भी लिया है और फिर एग्जामिनेशन भी ले रहे हैं, ठीक है, स्पेशली BCom स्टूडेंट्स और ट्रेडिशनल कोर्स के लिए। कमिसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन लिविंग स्टूडेंट्स वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर, जाहिर सी बात है कम टाइम मिला
प्रिपेयर करने के लिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों थेरी पेपर्स के लिए सेट लेटर्स एड्रेस बाय दी, मतलब जो लेटर्स लिखा गया था उसमें ये सारे बच्चों लोग ने ये लिखा था, ठीक है। और उसके बाद फिर इट फर्दर हाईलाइट हाउ दिस स्पेसिफिक बैच ओनली प्रिपेयर अपेयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन अंटिल मे दिस ईयर लिविंग मेनी स्टूडेंट्स इल और प्रिपेयर ऑफ टू एंड हाफ ईयर एग्जामिनेशन, मतलब बताया जा रहा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद डायरेक्टली ऑफलाइन ले रहे तो उसमें क्या है कि प्रैक्टिस ये सारी चीज़ों के लिए टाइम चाहिए रहता है, ठीक है। यहाँ पे फिर बाद में कॉलेजेस के दिए गए हैं, अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे लेट्स सी, ओके यहाँ पे कॉलेज आरडी रिजवी, फिर उसके बाद मार्शी, यहाँ पे बांद्रा विकास कॉलेज विक्रोली। अब ये लोग ने अप्रोच किया है मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में विद रिक्वेस्ट पोस्टपोन्डिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई सेकेंड वीक नवंबर से स्टार्ट करो, रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। पोस्टपोन्ड का न्यूज़ अलग होता है, रिक्वेस्ट अलग होता है, ठीक है। अब अगर मुंबई यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो फिर जो है एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ने कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है, पोस्टपोन्ड करने का। तो हिंदुस्तान टाइम रिसेंटली रिपोर्टेड अबाउट द डिले ऑन अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, हाँ मतलब इन्होंने फिर देखा भाई कि एज पर द यूनिवर्सिटी शेड्यूल्स एग्जामिनेशन अनाउंस एटलीस्ट 45 डेज, ठीक है, इन एडवांस। जैसे मैंने आपको बताया पहले अनाउंसमेंट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, बहुत पहले अनाउंसमेंट करके जो है इजिली मतलब कम टाइम में एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो इसके लिए जो है ये नोटिस रिक्वेस्ट किया गया है मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को कि भाई पोस्टपोन कर लो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि मेंबर ऑफ युवा सेना अप्रोच मुंबई यूनिवर्सिटी, अगेन स्टूडेंट्स प्लस जो ग्रुप्स है उन्होंने भी जो है अप्रोच किया है, लेटर्स वेर गिवन टू दी वर्बल अश्योरेंस बाय दी ऑफिशियल्स दैट द रिक्वेस्ट वुड बी कंसिडर, रिक्वेस्ट जो है कंसिडर किया जाएगा ऐसा बोला गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाउएवर, ठीक है, हाउएवर नो फॉर्मल वर्ड हैज़ बीन रिलीज येट बाय द यूनिवर्सिटी अबाउट द सेम, मतलब ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जो बात हुई है, रिक्वेस्ट हुई है, इस सब चीज़ के बारे में यूनिवर्सिटी ने अभी तक कुछ अपडेट नहीं दिया, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप पढ़िए, ठीक है। एग्जामिनेशन अगर पोस्टपोन्ड भी होता है तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं भी पोस्टपोन्ड होता है तो भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम पहले से तैयार हैं, ठीक है, बाद में हमारे लिए टाइम मिल जाएगा तो हम रिविजन कर लेंगे, राइट। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन प्रिपेयर करके नहीं रखोगे और एग्जामिनेशन हो गया तो फिर आप दिक्कत वाली बात है, राइट। तो मेरा एज अ टीचर यही सजेशन है कि प्लीज़ आप ऐसे न्यूज़ और आर्टिकल्स को अवॉइड करें, ठीक है। आप जिस रफ्तार से, जिस पॉजिटिव माइंड से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइडेंस लेक्चर्स दिए हैं, अगर आप वो देख के पढ़ रहे हो उसके हिसाब से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। आप इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि 10 दिन 8 दिन बचा है भाई, क्या करोगे प्रिपेयर, ठीक है। ये सब चीज़ों में आप दिन पूरा वेस्ट मत करो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आई होप कि आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी थोड़ा सा पता चले, ठीक है। और इस आर्टिकल्स का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस।